हेलो गाइस मैं हूं विपेंद्र यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं थर्मोडाइनमिक्स का एक और वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं छह वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ थर्मोपे अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हों तो आप पहले उन वीडियो को देखिएगा उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो चलिए करते हैं शुरू तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में कि यह टेम्परेचर क्या होता है हम बचपन से सुनते आए हैं कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बट इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू गिव द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं बेसिक से तो हम बोलते हैं कि आज काफ़ी गर्मी हो रही है हम बोलते हैं इट्स टू हॉट टुडे इट्स टू वार्म कभी अगर ठंड है तो इट्स टू कोल्ड टुडे हम बेसिकली टेम्परेचर को क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं बट हमें टेम्परेचर को क्वांटिटेटिव मेजर करना पड़ेगा तो एक काम करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ आप देख सकते हैं दो चेयर हुई हुए एक जो है वो मेटल चेयर है और एक जो चेयर है वुड की चेयर है तो अगर आप इन दोनों चेयर को अपने हाथ से टच करते हैं और दोनों की जो एनवायरमेंट कंडीशन है एम्बिन कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है मान लीजिए थर्टी डिग्री सेल्सियस पे आउटसाइड टेम्परेचर जो इनके आस पास का जो एनवायरमेंट है अब अगर आप इसको टच करके देखते हैं मेटल को और वुड को अलग अलग तो आपको लगेगा कि जो वुड वाली जो चेयर है वो आपको थोड़ी वार्म लगेगी और जो मेटल वाली चेयर है वो आपको थोड़ी कोल्ड लगेगी अगर आप अपने हाथ से छू के देखते हैं बट एग्जैक्टली अगर आप टेम्परेचर की क्वांटिटी भी अगर मेजर करें तो टेम्परेचर दोनों का सेम है बाहर अगर आप देखें थर्टी डिग्री सेल्सियस है बट फर्क आ रहा है एक जगह आपको ठंडे लग रहा है एक जगह आपको गर्म लग रहा है तो इसका रीजन क्या है ये भी हम देखेंगे सो फॉर्चुनेटली वी कैन से दैट सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर इन अ रिपीटेबल एंड प्रोडिक्टेबल वे एंड दिस फॉर्म्स द द बेसिक ऑफ एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो हम जनरली काफी सारे होते हैं बट एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मौकरी इन ग्लास थर्मोमीटर ये हम जनरली यूज करते हैं आमतौर पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और ये थर्मोमीटर हमें क्वांटिटेटिवली वैल्यू देता है टेम्परेचर uh, की एंड वी शुड नो दैट व्हाट टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स सो बेसिकली टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द एवरेज डम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टेम्परेचर सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग द जीरो थलो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं सो so, इधर आप देख सकते हो कि एक तरफ है हॉट कॉफी एंड दूसरी तरफ है कोल्ड ड्रिंक

र सेड टू हैव रीच द थर्मल इक्विब्रियम दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर जब दोनों टेम्परेचर जो टेम्परेचर है दोनों चीजों का अगर सेम हो जाएगा विद द एम्बियंट देन इस कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विब्रियम तो यहां से निकल के आती है एक डेफिनेशन सो द जीरो ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विब्रियम विदर्ड बॉडी दे आर ऑल्सो थर्मल इक्विबियम विद ईच अदर अब ये डेफिनेशन सुनकर कोई बच्चा बोलेगा तो आसान सी बात है इसमें है क्या बट जो ये डेफिनेशन है ये बाकी जो तीन लॉ हैं थर्मोडाइन के उससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते एंड इफ यू रिप्लेस द थर्ड बॉडी विद अ थर्मोमीटर द जीरो लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एस टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ द सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन इफ दे आर इन नॉट कॉन्टेक्ट सो दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ थर्मो सो so, अब मैं बात करूंगा उसकी कि स्टार्टिंग में हमने अपनी कंडीशन देखी थी कि एक तरफ थी हमारे पास चेयर जो कि मेटल की थी और दूसरी तरफ थी वुड चेयर लेकिन जो उसका एम्बियन टेम्परेचर था दोनों का सेम था लेकिन हमारे छूने के बाद हमें दोनों के जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो हमें आ रहा था नज़र आ रहा था मतलब एक तरफ हमें जो वुड चेयर थी वो थोड़ी हॉट नज़र वार्म uh, नज़र आ रही थी एज कम्पेयर टू द मेटल चेयर उसका रीज़न हम देखते हैं सो so, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फील जब आप मेटल को टच करते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि थोड़ा कोल्ड है एज कंपेयर टू वो इसका रीजन ये होगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ऑफ द मेटल इज मोर देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड दैट मीन्स कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगा आपकी हैंड से मेटल की तरफ वो ज्यादा तेजी से होगा एज कंपेयर टू द वुड दैट मीन्स कि आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा जब आप मेटल को टच करेंगे और दूसरी तरफ जब आप वुड को टच करेंगे तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब हीट ट्रांसफर रेट कम होगा हीट ट्रांसफर रेट कम होने का मतलब आपको जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नजर आएगा वार्म इस वाली बॉडी का वुड का और दूसरी तरफ जो मेटल का है वो आपको ठंडा नजर आएगा ठंडा महसूस होगा सो आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो Thank you, goodbye and sayonara.